हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच खेली जाने वाली T20 सीरीज के पहले T20 इंटरनेशनल मुकाबले जो खेला जाएगा गुवाहाटी के बरसापाड़ा क्रिकेट स्टेडियम के अंदर 5 जनवरी को शाम के 7 बजे से। और इस मैच का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार के ऊपर। अगर मैं गुवाहाटी की पिच रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो यहाँ के ट्रैक के ऊपर बैटिंग करना उतना ज्यादा आसान होता नहीं, बॉल का थोड़ा सा रुक के आता है इस ट्रैक के ऊपर। आज तक जहाँ पे एक T20 मुकाबला हुआ है उसके अंदर भी हमें काफी एक स्लो पेस देखने को मिला था, लेकिन ड्यू फैक्टर जरूर से बीच में आएगा इस मैच के अंदर क्योंकि ठंड अभी हो रही है। इस वजह से जो भी टीम पर टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करने का फैसला करना चाहेगी इस ट्रैक के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होम टीम इंडिया के बारे में, काफी ज्यादा स्टेबल लग रही है। हालांकि इस सीरीज से काफी सारे प्लेयर मिस करने वाले, तो जरूर से इंडिया अभी नए प्लेयर्स को मौका देना जाएगा इस सीरीज के अंदर। सबसे बड़ा टेस्ट होगा इंडिया की फास्ट बॉलिंग का। भुवनेश्वर कुमार इंजर्ड है, मोहम्मद शमी को भी रेस्ट दिया गया है, उसके अलावा दीपक चहर भी इंजर्ड होकर बाहर हो चुके हैं। 3 मेन प्लेयर इस सीरीज का पार्ट नहीं होंगे। सबसे मेन बात होने वाली है कि जसप्रीत बुमराह वापस से फिट होकर आ चुके हैं। जी हां, जसप्रीत बुमराह इस सीरीज का पार्ट होने वाले, जो काफी अच्छी बात होगी। वो इंडिया के पेस बॉलिंग लाइनअप को लीड करेंगे, साथ देंगे शार्दुल ठाकुर और नवदीप सैनी। इन दोनों में से एक प्लेयर को मौका मिलेगा प्लेइंग 11 के अंदर। ये दोनों प्लेयर ही काफी ज्यादा अच्छे हैं और दोनों ने खुद को प्रूव किया, तो देखने वाली बात होती है कि शार्दुल ठाकुर और नवदीप सैनी कैसा खेलते हैं सीरीज के अंदर। शिखर धवन की वापसी होगी सीरीज में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सीरीज। रोहित शर्मा को आराम देकर शिखर धवन को मौका मिलेगा, जो कि ओपनिंग करेंगे शिखर धवन, और शिखर धवन जरूर अच्छा खेलने की पूरी कोशिश चाहेंगे। लोकेश राहुल का फॉर्म काफी ज्यादा जबरदस्त रहा है, तो जरूर से इंडिया वापस चाहेगा लोकेश राहुल वापस अच्छी बैटिंग करके दे और ओपनिंग अपनी जगह और ज्यादा पक्की कर ले। निगाह होने वाले वापस ऋषभ पंत के ऊपर भी। ऋषभ पंत हर सीरीज में स्क्रूटनी पे होता है, पिछली सीरीज के अंदर वो अच्छा खेल के आ रहे हैं, वापस से अपने फॉर्म को इस सीरीज के अंदर ऋषभ पंत जरूर से कंटिन्यू करना चाहेंगे। बॉलिंग के अंदर स्पिन बॉलिंग में बहुत सारे ऑप्शन है, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर, इन 4 में से किसी 3 स्पिनर को जगह मिलेगी। चारों ही काफी अच्छे स्पिनर और काफी अच्छी करते हैं बॉलिंग, जरूर से इंडिया अपने स्पिनर्स के ऊपर रिलाय करने वाला है। अगर मैं टीम इंडिया के प्रोबेबल 11 के बारे में बात करूं, इंडिया को लगता है कि हार्दिक पांडे वापस नहीं आते तब तक इंडिया कुलदीप और चहल को साथ नहीं खेलेगा, ऐसे इंडिया ने शो कर दिया। मेरे हिसाब से इंडिया वापस से 3 फास्ट बॉलर और 3 स्पिनर के कॉम्बिनेशन आ जाएगा, तो ओपनिंग करेंगे शिखर धवन और केएल राहुल, नंबर 3 में विराट कोहली, नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पे ऋषभ पंत, नंबर 6 पे शिवम दुबे, नंबर 7 पे रविंद्र जडेजा, फिर वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल। तो मेरे हिसाब से ये टीम होती है इंडिया की, और इंडिया ये मैच जीते सीरीज में लीड लेने की पूरी कोशिश होना चाहेगा। अब मैं बात करता हूं श्रीलंका की टीम के बारे में। श्रीलंका की टीम का हालिया फॉर्म कुछ खास रहा नहीं है, पर T20 श्रृंखला है और जितना मैच छोटा होता उतना मैच में कुछ ही हो सकता, तो वापस श्रीलंका की टीम भी इस सीरीज में अच्छा खेलने की पूरी कोशिश होना चाहेगा। टीम ने इस सीरीज के लिए अपने ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज वापस टीम में बुला लिया है। एंजेलो मैथ्यूज 2018 के बाद से कोई T20 खेला नहीं है, तो जरूर से एंजेलो मैथ्यूज काफी अच्छा एडिशन होगा इस स्क्वाड के अंदर। उसके अलावा कप्तान करेंगे लसित मलिंगा। लसित मलिंगा सब जानते हैं T20 की जबरदस्त प्लेयर, तो टीम जरूर से उन पे काफी कुछ रिलाय करने वाली है। T20 में रिस्क स्पिनर का पलड़ा भारी रहता है, श्रीलंका के पास 2 काफी बढ़िया रिस्क स्पिनर है, वनिंदु हसरंगा और लक्ष्य संदकन के रूप में। ये तो रिस्क स्पिनर काफी जबरदस्त, संदकन लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, वहीं आपके वनिंदु हसरंगा राइट आर्म आपके रिस्क स्पिनर, तो जरूर से ये दोनों बॉलर्स बहुत बड़ा रोल पैदा करेंगे सीरीज के अंदर। उसके अलावा ईसुरु उदाना भी टीम के अंदर है। ईसुरु उदाना भी काफी अच्छे बॉलर है, काफी अच्छी बैटिंग करते, काफी अच्छी बॉलिंग करते, उनके ऊपर RCB टीम में शामिल कर वापस से ईसुरु उदान के ऊपर सबकी निगाह रहने वाली। बैटिंग के अंदर टीम के पास काफी सारे ऑप्शन है, अविष्का फर्नांडो काफी अच्छे BPL फॉर्म में, वापस से अविष्का फर्नांडो से भी काफी तरह उम्मीद रहने वाली है। कुशल परेरा, कुशल मेंडिस और आपके धनुष गुणाथिला का, ये तीनों प्लेयर भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, ये तीनों बैट्समैन काफी बढ़िया हैं, काफी तेज खेलने वाले प्लेयर, जरूर श्रीलंका इन तीनों के ऊपर भी काफी कुछ लाय करने वाले। विकेट के बैट्समैन आपके जो आपके निरूशन डिक वाला है, वो भी काफी अच्छे T20 के प्लेयर है, जरूर से वो भी काफी अच्छे खेलेंगे। श्रीलंका के पास एक काफी प्रॉमिसिंग स्क्वाड है। अगर मैं प्रोबेबल लाइनअप के बारे में बात करूं तो बहुत मुश्किल होगा श्रीलंका के बारे में बात करना, क्योंकि श्रीलंका की टीम हर मैच में भी टीम चेंज करती है। मेरे हिसाब से ओपनिंग कर सकते हैं अविष्का फर्नांडो, धनुष गुणाथिला का, नंबर 3 में कुशल परेरा, नंबर पे कुशल मेंडिस, नंबर 5 पे निरोशन डिक वाला, नंबर 6 पे एंजेलो मैथ्यूज, फिर दशुन शनका, इसुरु उदाना, लक्ष्य संदकन, वनिंदु हसरंगा, कप्तान लसित मलिंगा। मेरे हिसाब से ये टीम होती श्रीलंका की, और श्रीलंका भी ये मैच जीतने की पूरी कोशिश करना चाहेगा। आप मुझे पोल में बताने मैच कौन जीतेगा, इंडिया ये मैच जीतेगा, श्रीलंका ये मैच जीतेगा, जरूर से बताना मुझे पोल के अंदर। और इस मैच की ड्रीम 11 टीम आने वाली है इनके ऊपर।
ऑब्वियसली बात है पलड़ा तो इंडिया का ही भारी रहने वाला है इस मैच के अंदर। इंडिया के पास है काफी अच्छा स्क्वाड एंड जरूर से मैच जीतने की पूरी पूरी कोशिश करना चाहेगा, लेकिन ये T20 मैच है और T20 में हो कुछ भी तो जरूर से श्रीलंका के पास भी थोड़े बहुत चांसेस होंगे जीतने के। तो मुझे उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो का पसंद जरूर से आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी जरूर से करना सब्सक्राइब करना देखने के लिए। हमारी वीडियो का बहुत बहुत थैंक यू, मुलाकात होगी अपने छोड़े के अंदर। और याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।